आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। गंगा उत्तरण हुआ भी और नहीं भी। नारायण नारायण। तुम बताओ नारद, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। श्री हरि विष्णु, आप और ब्रह्मदेव यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? ये तो आप स्वयं ही जानते हैं भोलेनाथ। हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि भगीरथ के प्रयत्न को सफल बनाएं और गंगा को मुक्त कर दें। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहती, अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर मेरी जटाओं में आ बैठी है। किंतु वो स्वर्ग से यहाँ आपकी जटाओं में बैठने के लिए नहीं आई भोलेनाथ। तो आप उसे ले जाएं पुनः अपने चरणों में बिठाने के लिए? अब तो ये भी संभव नहीं है। भगीरथ, उसके पिता तथा पितामह का तप फलित होने का समय आ गया है। देवाधिदेव, पापियों का उद्धार करने का कार्य भी गंगा ही करेगी। ऐसी स्थिति में न तो वो मेरे चरणों में रह सकती है और न ही आपकी जटाओं में। अब तो उसे पृथ्वी पर जाना ही होगा भोलेनाथ। कृपा करके गंगा को मुक्त कर दें देवेश्वर। हाँ भोलेनाथ, उन्हें मुक्त कर दें। माँ गंगा का दर्शन लाभ कराए भोलेनाथ। मैं तो स्वयं इच्छुक हूँ कि गंगा के भार से मुक्त हो जाऊं। मेरे भार से आप मुक्त कैसे हो सकेंगे भगवान? सारा जगत सदा आपको गंगाधर और गंगेश्वर कहता ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ के नामों की संख्या क्या पहले कम थी? अब तो राजा भगीरथ ने उसमें वृद्धि कर दी है। आपके दर्शन पाकर मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया। माँ धन्य हो गया। और भविष्य में पृथ्वीवासियों का जीवन भी सफल होगा। नारायण नारायण। जाओ गंगा, भगीरथ का अनुगमन करके इसके पूर्वजों का उद्धार करो। पापियों का कल्याण कर भगीरथ के प्रयत्नों को सफल करो। और भविष्य में ऐसी कोई लीला न रच डालना जिससे देवगण कहें कि शिव ने गंगा को सिर पर चढ़ा रखा है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने निकली। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने सबके मन के पाप को धोने धन का संकट हरने। पूर्वज की मुक्ति तो माध्यम थी बस केवल, मूल कार्य था युगो युगो तक जग को करना निर्मल। आसुर शक्ति बढ़ ना पाए छल को करने निश्चल। सर्वप्रथम गौ मुख से चल के हरिद्वार में आई, आगे फिर प्रयाग के तट की शोभा आन बढ़ाई। रस बरसाती वाराणसी में ये काशी कहलाई। ये काशी कहलाई।
श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी गंगा स्नान करे, गंगा माँ की महिमा गाए इसका ध्यान करे। भगीरथ जैसा फिर तो गंगा उसका भी कल्याण करे। शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली वो शिव जटा से गंगा धरती पावन करने। सबके मन के पाप को धोने, तन का संकट भरने। ॐ नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप सब अति प्रसन्न हैं। पूजा से भक्तगण प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे समय में देवऋषि आ जाएं तो वो भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। देवऋषि के आने का अर्थ हुआ आप देवेश्वर समाधि से जागेंगे, और जागेंगे तो हमें दर्शन भी होंगे। इनके दर्शन तो हम प्रतिपल करते हैं, किंतु सत्य ये है कि इनकी दृष्टि हम पे पड़ जाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। ॐ नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो। कैसा समाचार त्रिकालदर्शी? वैसा जैसा तुम प्रायः लाया करते हो, कभी स्वर्ग लोक का तो कभी मृत्यु लोक का। धन्य है कि आपने पाताल लोक का नाम नहीं लिया। आप और आपकी लीला धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है? प्रभु, क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि स्वर्ग तारकासुर के अधिकार में है, और हमारे देवगण दीनहीन अवस्था में यहां वहां भटक रहे हैं? पृथ्वीलोक के विषय में भी क्या मेरे बताने पर ही आपको ज्ञात होगा कि वहां का प्रत्येक प्राणी एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि दुष्ट तारकासुर का वध कब होगा? नारद, जब तुम्हें ज्ञात है कि मैं सर्वज्ञ हूं तो मेरे पास क्या बताने आते हो? क्यों नित्य नए समाचार लाते हो मेरे पास? वो इस हेतु महादेव जी कि समाचार के नीचे दबी हुई समस्या का कुछ आप समाधान करें। मैं तो हर प्रकार से धर्म संकट में हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रश्न मुझसे किया जाता है, और मैं उत्तर नहीं दे पाता तो आपके पास चला आता हूँ, तो आप भी मुझसे प्रश्न करते हैं। और वहाँ तीनों लोक के प्राणी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि माँ शक्ति का आगामी अवतार कब होगा। तुमने क्या उत्तर दिया? देखा, आपने फिर मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर होता तो देता भगवान। उत्तर तो आपके पास है, मैं तो निरुत्तर होकर लौटा हूँ वहाँ से। नारद, भला ऐसा कभी हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो? तुम भी तो त्रिकालदर्शी हो ब्रह्मपुत्र। मात्र त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है प्रभु? मैं त्रिनेत्रधारी तो नहीं हूँ, मैं त्रिलोकी नाथ तो नहीं हूँ। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो मेरे इस नारायण नारायण जाप पर तो विराम लग जाएगा ना प्रभु। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना था? हाँ नारद, विषय बदलने में तो तुम निपुण हो। विषय था समाचार जो तुम लाए हो, और अब चर्चा आ पहुंची है तुम्हारे विराम लगने पर। आपसे भय तो लगता ही है ना भगवान? असत्य भाषण न करो नारद। क्या मुझसे भयभीत होने वाला नित्य प्रति अपनी करताल बजाता हुआ मेरे पास आएगा? नारायण नारायण,
अब तो विषय आप बदल रहे हैं महादेव जी। आपने ये नहीं बताया कि माँ शक्ति आगामी अवतार कब ले रही है। यदि तुम हिमालय होते हुए कैलाश आते तो तुम्हें निश्चय ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। यहाँ से हिमालय जाता हूँ, संभवतः सब समझ में आ जाएगा। नारायण नारायण। देवऋषि, ज्ञात होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हाँ नंदी, देवेश्वर की कृपा से मेरी समस्या का समाधान तो हो गया। हिमालय राज के यहाँ पुत्री का जन्म होने वाला था। होने वाला था? आहा, यही तो माँ शक्ति का अवतार है। धन्य हो माँ शक्ति, धन्य हो, धन्य हो माँ शक्ति, आप धन्य हो। महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। रानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री यहाँ प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपट आ रहा है। रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है, इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूँ। ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ जिसकी सीमा नहीं। सती और माँ शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मैं ना तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशाली माता हूं। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। मां जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगे। हम मां के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। मैना रानी, तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय वह शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूँगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। बेटी है पुरवाई, बेटी है पुरवाई।
देव भी मुस्काते हैं। भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवऋषि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान, अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान है। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के और किसके? देवऋषि, आपकी टेप गई नहीं। आप सदा ही विनोद प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? राजन, कौन किसका शुभ चिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण, ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं लेने आया हूँ। क्या आपको ज्ञात नहीं जगत की हर कन्या माँ जगदम्बा का स्वरूप होती है? आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूँ और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए माँ जगदम्बा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है, चलिए माँ जगदम्बा के दर्शन करते हैं। आइए।
प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण, कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके। कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे कहाँ गई? आयुष्मान भव। नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं, किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे किसी देवी से कर रहे हूँ। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, और ये शिशु केवल सुनते हैं, और बड़े इन छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं, और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देवऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज महारानी, अब मुझे आज्ञा दो। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है, और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। विधाता की कृपा से कुशल मंगल की कामना करते हुए महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थी। माँ जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लेकर उनके हृदय को तो आनंदित कर दिया, किंतु देवराज इंद्र व अन्य देवगण अत्यंत भयभीत और चिंतित थे। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए, अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुण देव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है
हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहे या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? है देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है, उसे अप्सराओं की कामना और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देवऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देवऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा यह संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देवऋषि, हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देवऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है बताएं देवऋषि। शांत देवगण शांत, ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहां, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देवऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए, फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देवऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? माँ शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देवऋषि? समय की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं माँ जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देवऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवऋषि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण।
हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा, ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक सफेद बिंदु उभरा और बालक है। ये मंगल है मेरा पुत्र, और आप कौन है देवी? अरे मुझे अपना परिचय देना होगा, मैं हूँ पृथ्वी, धरती जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की, जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सैन शक्ति की प्रतिमूर्ति तथा मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर, माँ हूँ तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. 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 Om Nam
मंगल, मंगल ये क्या, मैं तेरे लिए फल लाने गई और तू सुन रहा है? ओ मंगल, ओ माँ सुबह होता है किसी के सामने बिघन डालना और पुत्र का माँ के कोमल हृदय पर प्रहार करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ, मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम ले दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करें। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देवऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देवऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देवऋषि, किंतु मंगल तो अभी नीरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देवऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसे उसकी ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता, नहीं समझता। अरे अरे अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ, सारे जगत के नर नारी पशु पक्षी जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रही हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिवजी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की माँ हो, ये सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था।
महारानी मैना की स्थिति भी यही थी। वे भी पार्वती के लिए सदा अधीर रहती थी, कारण कि शक्ति स्वरूपा पार्वती का जन्म भी शक्ति की कठोर आराधना से ही संभव हुआ था। पार्वती, पार्वती, पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता, विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु घर के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु घर उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना। गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेके मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ उ माँ की ध्वनि निकालता है। आ उ माँ मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मा रे अर्थात आ उ मा से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, ओम सर्वव्यापक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र मंगल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो शिव आराधना से समय नहीं मिलता, ये भोजन कब और कैसे करेगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओमकार निराकार है, ओमकार परब्रह्म है, ओमकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओमकार ही सर्वज्ञ है, ओमकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार क्रोध मद लोभ से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र मंगल, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया है, ये फल खा ले पुत्र। माँ, मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ मेरी खाने में कोई रुचि नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी रुचि केवल शिव आराधना में है, किंतु इससे तुझे क्या प्राप्त हुआ? हाँ माँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ, पर शिव जी मेरी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न ही नहीं होते। लगता है मुझ में ही कोई दोष है। हाँ दोष तो है ही। दोष है? क्या दोष है माँ? इस जगत में माँ को अप्रसन्न करके कोई भगवान को प्रसन्न कर सका है क्या? तो क्या भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व माँ को प्रसन्न करना पड़ता है? माँ और माँ बोलना सीखे बिना महादेव बोलना कैसे आएगा पुत्र? सत्य ही तो है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना भगवान का वरदान और कृपा कैसे प्राप्त होगी? माँ प्रसन्न हुई तो भगवान कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं? माँ तुम उससे अप्रसन्न हो क्या? कैसी बात करता है पुत्र, कोई माँ अपने पुत्र से अप्रसन्न हो सकती है? होती तो है, बहुत सी माएं तो अपने पुत्र से बात भी नहीं करती। ऐसी माएं पुत्र से नहीं, पुत्र की अयोग्यता हट और उसकी विचारहीनता से अप्रसन्न होती हैं, पुत्र से नहीं। अर्थात तुम मुझसे प्रसन्न हो? तुझसे तो मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ पुत्र। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ। कैसा आशीर्वाद रे? मैंने निश्चय किया है माँ कि काशी के गंगा तट पर जाकर मैं शिव जी की आराधना करूंगा, तब मुझसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। काशी जाएगा तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर? तेरे बचपन से माँ के प्रति तेरा प्रेम पाने के लिए बिन जल के नीम की भांति छटपटा रही हूँ मैं, और तू तू मुझे अपना कर्तव्य करने दो माँ। कर्तव्य? तेरा कर्तव्य? अपनी माँ के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? माँ ये तन और प्राण तुम्हारे ही तो हैं, इस जग से मुझे जोड़ने वाली तुम ही तो हो, तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य से मैं कैसे विमुख रह सकता हूँ माँ? पर मैं क्या करूँ, मैं विवश हूँ, मेरे हृदय में शिव भक्ति की शीतल सरिता जो प्रवाहित हो रही है उसमें डुबकी लगाए बिना मुझे कल नहीं पड़ता माँ। तुम मुझसे प्रसन्न होना माँ, एक बार बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भगवान शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर सकूंगा, उसके पश्चात मैं जन्म भर तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा माँ। एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी माँ, मुझे काशी जाने की आज्ञा और सफल होने का आशीर्वाद दो। तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है पुत्र। मुझे आज्ञा देने में तुम्हें कष्ट हो रहा है माँ? इस जगत की हर माँ अपना कष्ट भूलकर अपने पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है मंगल, स्वयं दुख झेलकर भी वह अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। माँ तुम भी तो वैसे ही माँ हो, इसीलिए तो तुझे काशी जाने की आज्ञा देती हूँ।
और कामना करती हूँ कि तेरी तपस्या और साधना पूर्ण हो। तुझे सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पुत्र मंगल ने भोलेनाथ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। पुत्र की इच्छा के वशीभूत होकर मां ने उसे काशी भेज तो दिया, किंतु उसके हृदय में चिंता और द्विविधा थी। दूसरी ओर कैलाश पर शिवगढ़, सुयशा और नंदी भी द्विविधा में थे कि मां शक्ति के अवतार के दर्शन कब होंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, मां शक्ति को नारी रूप धारण किए हुए अधिक समय बीत गया है, किंतु अभी तक उनके दर्शन हम नहीं कर सके हैं। पर क्यों नहीं कर सके? सुयशा, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रही हो जो स्वयं उत्तर की खोज में है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आहा आहा, ऋषि अब उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा और भोलेनाथ भी समाधि से जागेंगे। देव ऋषि पधारिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। नहीं नंदी, नहीं, मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा न रखना। तीनों लोग को उपाय बताते बताते और उत्तर देते देते मेरी समस्त ग्रंथियां थक गई हैं। तो देव ऋषि, हमें कौन बताएगा कि शक्ति रूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? यही प्रश्न मैं भगवान भोलेनाथ को पूछने हेतु यहाँ आया हूँ। किंतु भगवान शिव तो उत्तर तब देंगे जब वे समाधि से जागेंगे। हाँ, ये दुविधा तो है। एक ही उपाय है। क्या? नंदी, इसका उत्तर मैं अन्य किसी दिन तुम्हें दे दूंगा। इस समय मुझे चिंता है लौटने की। नारायण नारायण। नहीं नहीं देवऋषि, आए तो भगवान के दर्शन करके जाए। नंदी, उचित है, परंतु इस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में है। नारायण नारायण। सुनिए तो देवऋषि, अगर आप समीप जाएंगे तो भगवान अवश्य समाधि से जागेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान, आश्चर्य है, आप तो जाग रहे हैं। मैं व्यर्थ अपयश का भागी बन जाता हूँ कि मेरे आने पर मेरे द्वारा आपकी समाधि भंग होती है। सत्य तो यही है, किंतु आज ये सत्य घटित नहीं हुआ। और हाँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी आया नहीं। प्रश्न? मेरा प्रश्न? देवेश्वर, मात्र मेरा प्रश्न नहीं, हम सभी का प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप दे ही दीजिए। शक्ति माँ स्वरूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? नहीं नारद, अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों देवेश्वर, ऐसा क्यों? इस हेतु कि अन्य अनेक प्रश्न सम्मुख खड़े हैं। समय की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा नारद। नारायण नारायण। स्वामी तो पुनः समाधि में लीन हो गए।